बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू ISP ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। टुडे इज लेक्चर नंबर 14 फॉर द कोर्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस कोर्स इज जनरली फॉर BSc सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फॉर 2016। आई माई सेल्फ इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान। टुडे इज लेक्चर नंबर 14 एंड वीक नंबर 14। दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस कोर्स। और इस बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स या डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स या रीइंफोर्स कॉन्क्रीट डिज़ाइन के हवाले से कोई और बुक्स अवेलेबल हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इन अवर टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ETAPE सॉफ्टवेयर। वट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर ETAPE सॉफ्टवेयर। ETAPE सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, उसकी मेजर कंपोजिशंस क्या हैं, उसके अंदर हम किस तरह से कमांड्स और उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं आपको ETAPE को जो जिस तरह से आपने इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में वो एक पूरी कंप्लीट जो है वो डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आपने किस तरह से डाउनलोड करके ETAPE को जो वर्जन है वो इंस्टॉल करना है, ताकि जो अपकमिंग क्लासेस के अंदर हम अपनी एक एनालाइज कर सकें, हमारी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकें। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। इस कोर्स में सबसे पहले हमने रिटेनिंग वॉल्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि रिटेनिंग वॉल्स के कौन से टाइप होते हैं, किस तरह से हम रिटेनिंग वॉल्स को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हमने रिटेनिंग वॉल्स के डिफरेंट टाइप जो है वो डिज़ाइन भी किए, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को हमने बड़ा ब्रॉड परस्पेक्टिव से हमने जो है वो एनालाइज किया और डिज़ाइन किया। देन वी डिस्कस अबाउट द ब्रिजेज, इट्स टाइप्स एंड ब्रिज स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हमने प्रीस्ट्रेसिंग एंड कंपोजिट मेंबर्स को डिस्कस किया। देन वी डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन ऑफ अ प्रीस्ट्रेस कंपोजिट कंक्रीट आई गर्डर ब्रिज। हमने आई गर्डर ब्रिज के लिए जो है वो एनालाइज किया और डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर मेजर ऑब्जर्वेशन, हम किस तरह से लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर, उनको हमने डिस्कस किया। और देन वी एनालाइज एंड डिज़ाइन मैन्युअली, हमने एक बिल्डिंग को, सिक्स स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज किया कि हाउ वी एनालाइज द बिल्डिंग बाई कंसिडरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग्स। और हमने लोड को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर फ्लोर, फ्रॉम वन कॉलम टू अदर बीम, हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद इस कोर्स का जो एक मेजर पार्ट था, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ वन वे हॉल एंड टू वे हॉल, जो कि बेसिकली ये आपका हमारे थ्योरेटिकली पोर्शन का जो एक पार्ट था, लास्ट पार्ट। टू और थ्री लेक्चर्स में सारी चीज़ें कवर हो जानी थी, लेकिन जो ETAPE सॉफ्टवेयर एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक जो एक मेजर टॉपिक है जो आप लोगों को कवर कराना है, तो इस वजह से ये जो टॉपिक है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ अ वन वे हॉल और टू वे हॉल या टू वे स्लैब का जो डिज़ाइन हैं वो मैंने वकास साहब को बोल दिए हैं, वो आपको कवर करा देंगे लैब की ड्यूरेशन में। और वहाँ से जो लैब के टेनवर के अंदर हमारे पास जो ETAPE का वर्जन था या लैब के दौरान जो आपने ETAPE डिस्कस करना था वो ETAPE में आपको डिस्कस कराता हूँ, और हम जो है वो उसके अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज भी करेंगे। सो इन अवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक ऑन ETAPEs। व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ETAPE? ETAPE स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ अ बिल्डिंग सिस्टम। जब आपकी एक थ्री डायमेंशनल बिल्डिंग को एनालाइज या बिल्डिंग सिस्टम को आप एनालाइज या डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो आजकल एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज होता है, दैट इज ETAPE। इससे पहले हमारे पास जो एक SAP 2000 सॉफ्टवेयर था वो भी ब्रॉडली यूज होता था, अभी भी यूज होता है, और उसके बाद जो है स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर भी यूज होता था, अभी भी यूज़ होता है, लेकिन जो ज़्यादातर दुनिया जो सक्सेसफुली यूज़ करती है सॉफ्टवेयर को वो हमारे पास ETAPE है। इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड एंड सुइटेबल स्पेशल पर्पज एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम पर्टिकुलरली डेवलप फॉर बिल्डिंग सिस्टम्स। पर्टिकुलरली जो है वो ये एक सोफिस्टिकेटेड और सुइटेबल सॉफ्टवेयर है जो कि पर्टिकुलरली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से यूज होता है। लार्ज एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मॉडल्स आर इजीली कॉन्फिगर्ड With its based integrated systems and its abilities, its guarantees. कि ये एक perfect analysis provide करता है with its possible abilities के साथ, और उसकी guarantee जो है वो बहुत ज़्यादा एक हमें जो एक analyze एक material provide करता है वो हमारे लिए एक जो है realistic जो approach होती है उससे बड़ा closer observations होती हैं। Powerful tool with graphical and object based interfaces. Help to create a CAD-like drawing, जिस तरह से आप AutoCAD के अंदर drawings बनाते हो उसी तरह से हम यहाँ पे भी drawing हमें मिल जाती है बनी बनाई। उसके बाद improve करता है structural engineers productivity in the building industries के, जैसे मैंने आपको analyze करते हुए manually building को जब हमने analyze किया मैंने आपको बताया था,
कि जब हम एक बिल्डिंग को मैन्युअली एनालाइज करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है उस बिल्डिंग को एनालाइज करना और उसको कम्प्लीटली जो है वो फ्रॉम वन मेंबर टू अदर मेंबर लोड को ट्रांसफर करना या उनको कंसीडर करना। तो इस वजह से जब हम एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, इस तरह का एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर थ्री डायमेंशनल में यूज़ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ बिल्ट इन कंसीडर कर सकता है। यहाँ पे ह्यूमन एरर के पॉसिबल चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो सेव मेजर टाइम, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है एंड एज अ मोर एफिशिएंसी ओवर जनरल पर्पस प्रोग्राम कि ये हमारा जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और मेजरली जो है वो हमारा टाइम भी इससे बच जाता है। सो ईटेप के की फीचर्स क्या हैं? फुली इंटीग्रेटेड इंटरफेस विद इन विंडोज 95, 98 एंड उसके बाद 2000 के बाद के जो विंडोज वर्जन है उनके लिए जो है वो ईटेप के लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हैं। ऑप्टिमाइज फॉर मॉडलिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करता है, 3D पर्सपेक्टिव प्लान एलिवेशन डेवलप एलिवेशन एंड कस्टम व्यूज में प्रोवाइड करता है, 3D मॉडल जनरेशन यूजिंग प्लान एंड एलिवेशन। उसके बाद ये लाइक के ड्राइंग हमें प्रोवाइड करता है, फास्ट एडिटिंग है इनके अंदर, एक प्रॉपर जो है वो फ्रेमिंग लेआउट भी आप बना सकते हैं। एक्सटेंसिव एनालिसिस कैपेबिलिटी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ द अवेलेबिलिटीज अवेलेबल हैं जब आप यूज़ करते हैं या जो मेथड्स हम फॉलो करते हैं बाय एनालाइजिंग बिल्डिंग, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी एक सूटेबल मेथड विद रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं सीज़मिक की बात करता हूँ, कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पाए सीज़मिक उसको एनालाइज करते हैं अंडर सीज़मिक रेजिस्टेंस, तो उस केस के अंदर हमारे पास दो जो मेथड है वो सक्सेसफुली हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड सेकंड इज द मल्टीपल टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। तो दोनों मेथड अलग अलग अवेलेबल हैं। उसके बाद पुश ओवर एनालिसिस है, डायनामिक नॉन लीनियर एनालिसिस है, स्टैटिक नॉन लीनियर एनालिसिस है, स्टैटिक एंड डायनामिक पी डेल्टा एनालिसिस अवेलेबल है, लीनियर डायनामिक एनालिसिस है, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस है, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस लोडिंग एनालिसिस है। तो ये तमाम मेथड जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, हम कोई भी मेथड जो है वो चूज करके बिल्डिंग को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर स्टोरीज की, एक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टोरी जिस तरह से हमने एनालाइज किया था हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, फर्स्ट टॉप स्टोरी जो 5 स्टोरीज थी उनकी ओवरऑल हाइट और स्पेसिफिकेशन हमने सिमिलर कंसिडर की थी, तो उस केस के अंदर हमने यहाँ पे जब आप एक सिमिलर आपके पास चीज़ें आ जाती हैं उस केस के अंदर आपका जो आपका एक मॉडल है वो क्विकली मूव करता है, जिसकी वजह से आपके एक जनरेशन में मॉडल की जो एक आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से या फास्ट जनरेट होती है रिपोर्ट। उसके बाद ऑटोमेटेड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है फॉर सिंपल टिपिकल स्ट्रक्चर्स, इजी एडिटिंग विद मूव मेजर मूव मर्ज एंड मिरर रेप्लिकेट कमांड, जिस तरह से ऑटोकैड के अंदर होती है मर्ज कमांड है, मिरर कमांड है, मूव कमांड है, उसके बाद रेप्लिकेट कमांड्स हैं, तो ये सारी कमांड्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। उसके बाद मल्टीपल व्यूज हैं 3D के अंदर, यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं बिल्डिंग का, विद जूमिंग एंड स्नैपिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑन स्क्रीन असाइनमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, लोडिंग सपोर्ट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, पावरफुल ग्रुपिंग सिलेक्शन एंड डिस्प्ले ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट, तमाम ऑप्शन जो जिस तरह से आप एक MS Office का वर्जन यूज करते हैं इसी तरह से ज्यादातर चीजें, या AutoCAD हम यूज किया था तो जो वहाँ पे हमारे पास कमांड्स अवेलेबल थी वो अवेलेबल कमांड जो है वो यहाँ पे भी बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। जिस तरह आप स्नैप की बात करते हैं तो स्नैप के अंदर हमारे पास पॉइंट्स एंड ग्रिड इंटरसेक्शंस हैं, उसके बाद एंड्स एंड मिड पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शंस हैं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शंस हैं, लाइंस एंड एजेस हैं, फाइन ग्रिड्स हैं, तो जो भी आप एक यूज करते हैं जब कमांड को तो आप स्पेसिफिकली जो है आप उसको अपनी तरफ से गाइडलाइंस के हिसाब से बनवा सकते हैं। अब जिस तरह से एक ड्रॉ कमांड है, अब ड्रॉ कमांड के अंदर अगर हम चेक करें तो दैट इज सेलेक्ट मोड, हम सेलेक्ट करते हैं, रीशेप करते हैं एलिमेंट्स को, ड्रॉ स्पेशल जॉइंट्स भी बनाते हैं, उसके बाद फ्रेम है या केबल जॉइंट है, क्विक ड्रॉ फ्रेम है, केबल एलिमेंट्स हैं, उसके बाद क्विक ड्रॉ ब्रेसेस हैं, क्विक ड्रॉ सेकेंडरी बीम्स हैं, उसके बाद ड्रॉ क्वाड एरिया एलिमेंट है या ड्रॉ रेक्टेंगुलर एरिया एलिमेंट है, तो ये तमाम ऑप्शन जो है वो ड्रॉ एक कमांड के अंदर अवेलेबल है। अनलिमिटेड लेवल्स ऑफ अंडू एंड रीडू, अनडू एंड रीडू अनलिमिटेड लेवल्स के अंदर अवेलेबल है, कट पेस्ट ज्योमेट्री टू एंड फ्रॉम द स्प्रेडशीट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ DXF फाइल भी आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिटेल्ड कंटेक्स्ट सेंसिटिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एनालिसिस इंटीग्रेटेड विद पोस्ट प्रोसेसिंग एंड डिजाइन भी अवेलेबल है। सो इंटरैक्टिव मॉडल क्रिएशन, फुल्ली ग्राफिकल इंटरफेस हम किस तरह से फॉलो करते हैं, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं एक रियलिस्टिक मॉडलिंग है,
जिस तरह से रियलिस्टिक मॉडलिंग यानी कि आपका जो रियल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसी तरह से आप एक मॉडल बना के सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ट्रीट कर सकते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच थी हमारी, वही रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो इंटरैक्टिव अप्रोच हम मॉडल के जरिए से बनाते हैं, उनके ऊपर हम लोडिंग सप्लाई करते हैं और हमें जो है एक आउटपुट या सिमिलर लाइक अ रियलिस्टिक स्ट्रक्चर हमें एक बिहेवियर नजर आ रहा होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल प्लान जो है वो 3D व्यू है हमारे पास, और ये एक प्लान व्यू है जो कंप्लीट हमें नजर आ रहा है बिल्डिंग का। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास दूसरी बिल्डिंग है जिसका हम थ्री डायमेंशनल व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल प्लान है, टॉप व्यू से आपको किस तरह से बिल्डिंग नजर आ रही है थ्री डायमेंशनल के अंदर, और थ्री डायमेंशनल के अंदर बिल्डिंग इस तरह से भी नजर आ रही है साइड व्यू के अंदर हम देख सकते हैं। इसी तरह से जो है वो हमारे पास कन्वीनियंट डिवाइडिंग एंड मैशिंग ऑफ डिजाइन ऑब्जेक्ट्स, क्या मैशिंग जो बनाते हैं डिजाइन ऑब्जेक्ट्स की, वो मैशिंग ऑफ, मैशिंग बेसिकली इज अ ग्रिड सिस्टम के अंदर जब हम एक लार्जर एलिमेंट को बनाते हैं तो हम स्मॉल छोटी छोटी मैशिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उनके नोड्स और लोडिंग्स को कंसिडर करते हैं। मल्टीपल साइमल्टेनियस रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल ग्रिड सिस्टम भी अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम्स हैं और सिलेंड्रिकल ग्रिड सिस्टम भी अवेलेबल है इसके अंदर। एक्यूरेट डायमेंशनिंग विद गाइडलाइंस एंड स्नैपिंग अवेलेबल है, कोई क्विक ड्रॉ ऑप्शन है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स विद वन माउस क्लिक ओनली, कि आप एक माउस क्लिक से जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉ ऑप्शन वगैरह चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑटोमेटेड मॉडल जनरेशन है फॉर द टिपिकल स्ट्रक्चर यूजिंग पावरफुल टेम्पलेट्स, हम किस तरह से चूज करते हैं, स्टील के डैक्स कौन से हैं, फ्लैट स्लैब के टाइप है, आइदर टू बे स्लैब है, वेफल स्लैब है, रिब स्लैब है, तो जो आपके पास स्लैब अवेलेबल है उसी स्लैब को आप चूज करके रिकमेंडेड जो आपकी परस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप मटेरियल की प्रोवाइड करते हैं, मेंबर की प्रोवाइड करते हैं, और आपका ओवरऑल जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली उनकी तमाम बाकी स्पेसिफिकेशंस को अज्यूम करता है और जो है वो हमें एक जनरली ओवरऑल रिपोर्ट जनरेट करता है। उसके बाद जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टोरी 8, 6, 7, 5 हमारे पास ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग अवेलेबल है। उसके बाद एलिवेशन हमारे पास कितनी टोटल जनरेट हो रही है, सिमिलर टू स्टोरी नंबर 8 फॉर एग्जांपल, क्योंकि स्टोरी नंबर 8 जो है वो लास्ट स्टोरी है, टोटल 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हमने सिमिलर टू स्टोरीज कहने का मकसद कि जो हमारा 7, 6 और 5, 5th स्टोरीज हैं ये हमारे 8th के सिमिलर स्टोरीज हैं। ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग सेम है, ओवरऑल स्लैब थिकनेस भी सेम है, बाकी सारी चीज़ें जब हमारी सिमिलर आ जाती हैं, मटेरियल आप सेम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे हमने सिमिलर कंसीडर किया, तो ये एक बिल्डिंग को, एक फ्लोर को एनालाइज करेगा और बाकी फ्लोर्स को जो है वो सिमिलर कंसीडर करके उसको हमारे एक जनरल आउटपुट जो है वो रिजल्ट जनरेट करेगा। सो टाइम सेविंग स्टोरी डेफिनेशंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर स्टोरीज, हम सिमिलर स्टोरीज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कॉमन लेबलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सिमिलर स्टोरीज के दरमियान। उसके बाद एरिया ऑब्जेक्ट्स फॉर वॉल्स, स्लैब्स, डेक्स, उसके बाद ओपनिंग है, स्प्रिंग्स हैं, मास हैं, लोड्स हैं, लाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉलम्स के लिए हम लाइन ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं, एरिया ऑब्जेक्ट्स हम चूज करते हैं फॉर वॉल्स स्लैब्स वगैरह के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम चूज करते हैं सपोर्ट्स स्प्रिंग्स और मास और लोड्स के लिए। कि जब हम एक मॉडल को असाइन करवाते हैं, जब आप वर्क कर रहे होते हो मॉडल के ऊपर, जब आप एक स्मॉल बीम या कॉलम बनाते हो तो आप लाइन ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, जब आप वॉल बनाते हैं या आप जब एक स्लैब को असाइन कराते हैं तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट हम चूज करते हैं। उसके बाद जब हम सिंपली सपोर्ट्स या कोई ऐसा पॉइंट लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम सपोर्ट्स या स्प्रिंग्स वगैरह या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह चूज करते हैं। उसके बाद डायफ्राम कॉन्सेप्ट है, डायफ्राम के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है या जो हमारे फाउंडेशन है बेसिकली वो हमारे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, आया रिजिड डायफ्राम्स हैं टू इफेक्टिवली मॉडल फॉर फ्लोर स्लैब्स एंड टू कॉन्स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, रिस्ट्रेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं कि डिफॉर्मेशन हमारी किस तरह से जनरेट हो रही है, फाउंडेशन हमारा कौन सा है, रिजिड फाउंडेशन है, फिक्स फाउंडेशन है, सिंपली सपोर्टेड फाउंडेशन है, तो वो हमारे पास किस तरह से हम असाइन करते हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव सेक्शन डेटाबेस जिसके अंदर हम बिल्ट इन डेटा प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टील सेक्शन के, स्टील सेक्शन अगर आप बना रहे हो तो आपके पास स्टील के W44 सेक्शंस, W40 सेक्शंस, उसके बाद तमाम जो सेक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं डिटेल के अंदर वाइट फ्लेंज के, हम वाइट फ्लेंज कौन सा चूज कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव सेक्शन हम चूज करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी जो है वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, असाइन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उसको गिवन है उसमें से जो है वो हमारा एक सेक्शन चूज कर लेगा और मटेरियल जो है वो आगे मूव करेगा या हमारा जो मॉडल है वो आगे मूव करेगा। इसी तरह से हम ग्राफिकल सेक्शन डिजाइनर फॉर डिफाइनिंग कस्टम सेक्शंस, कस्टम सेक्शन हम कौन सा चूज कर रहे हैं, ये तमाम सेक्शंस आपके मॉडल के अंदर अवेलेबल हैं, आप रेस्पेक्टिव सेक्शन चूज करते हैं, उसके बाद जो है वो सेक्शन को आपने जैसे ही वो सेक्शन असाइन किया, रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट असाइन किया, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से उसको डेटा को एनालाइज करता है और उसको मजीद जो है वो कंटिन्यू करता है।
इसी तरह से हमारे पास जो है वो राइट बटन क्लिक फॉर एलिमेंट और डिजाइन इन्फॉर्मेशन, कस्टमाइज डिस्प्ले फॉर पैरामीटर्स एंड एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हमारे पास जो है वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है, लाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जब आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर जो डेटा चाहिए, आप जब उस स्पेसिफिक एलिमेंट को क्लिक करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड डेटा वगैरह जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है, मिल जाता है। इसी तरह से जब हम एक बिल्डिंग के लोड्स असाइन करते हैं कि नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लोड्स के, लोड के नंबर जो हमारे लोडिंग्स हैं, इंडिपेंडेंट लोडिंग्स हैं, उनके जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं या पॉसिबिलिटी कितने लोडिंग्स की अप्लाई हो रही है, उसको हम इंडिविजुअली जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ अवेलेबल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रेविटी लोड्स हैं स्पेसिफाइड एज पॉइंट लाइन और एरिया लोड्स, विंड और सीजमिक लोड्स, जनरेटर फॉर द केसेज ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये हमारे पास विंडी लोड्स कौन से हैं, विंडी लोड है आपने चूज किया, लेट सपोज टाइप ऑफ द लोड कौन सा है, विंड है, सेल्फ वेट कितना प्रोवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लायर, उसके बाद ऑटो लेटरल लोड एज पर स्टैंडर्ड्स कौन सा स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं, एसी नॉर्मली हम स्टील के लिए यूज करते हैं, यूबीसी हमारे पास जो है वो नॉर्मली हम सीजनिंग रेजिस्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, उसके बाद हम डेड लाइव सुपर डेड है, उसके बाद विंडी है, उसके बाद विंड एक्स एक्सिस में, विंड वाई एक्सिस में, अर्थक्वेक एक्स एक्सिस, अर्थक्वेक वाई एक्सिस, उसके बाद जो है वो हमारे पास स्नो लोड है। तो ये तमाम लोड और कैटेगरीज जो है वो हम चूज करते हैं और असाइन करवाते हैं। उसके बाद जैसे हम ऑटोमेटेड विंड लोड अगर जनरेट करते हैं तो यूबीसी, बीओसी, एसी, एनबीसीसी, हम कौन सा कोड प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ऑटोमेटिकली वो हमारे उन लोड्स को कंसीडर करे। यूबीसी 94 विंड लोडिंग के क्राइटेरिया के हिसाब से हम बिल्डिंग्स का या एंगल प्रोवाइड करते हैं कि किस एंगल के ऊपर बिल्डिंग के अप्लाई हो रहा है, टॉप स्टोरी के ऊपर क्या है, बॉटम स्टोरी के ऊपर क्या है, और इसी तरह से ओवरऑल जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशंस और कंसीडरेशंस को ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर हम सीजमिक की बात करते हैं तो यूबीसी है, पीओसीए है, उसके बाद जो है वो एनबीसीसी है, तो ये तमाम कोड्स हमें स्पेसिफाइड है, हम क्वेक टाइप ऑफ लोडिंग या अर्थक्वेक टाइप ऑफ लोडिंग हम चूज करते हैं। डायरेक्शन एंड इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन प्लस इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो ये तमाम चीज़ें हम असाइन करवाते हैं। असाइन करवाने के बाद बिल्ट इन रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मैकेनिज्म जो है वो ये कंसीडर करता है अर्थक्वेक के हिसाब से हम रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, क्योंकि रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड जो है वो बड़ा सक्सेसफुल मेथड है जो कि एनालाइज करने के लिए या सीजमिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है। उसके बाद हम जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड अप्लाई करते हैं कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्टिव एक्सीलरेशन क्या है, फिर हम एक पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन और पीक ग्राउंड जो है वो हमारे पास जो है विद रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड में पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन मिलती है, और पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन के बाद जो है वो हम डीवीए सिस्टम या ट्राइपार्टाइट ग्राफ के जरिए जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट्स और एक्सीलरेशन और वेलोसिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बिल्ट इन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एंड टाइम हिस्ट्री इनपुट, यूजर डिफाइंड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फंक्शन, यूजर डिफाइंड टाइम हिस्ट्री फंक्शन हम प्रोवाइड करते हैं या हमें ऑब्जर्व होते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर एंड थर्मल ग्रेडियंट जो है वो लोड सप्लाई करते हैं, अल्जेब्रिक एब्सोल्यूट SRRSS मेथड है, NVLump है, उसके बाद जो लोड कॉम्बिनेशन है, उसके बाद हम मास डायरेक्टली स्पेसिफाइड और कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रेविटी लोड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मॉडलिंग एलिमेंट्स हैं कि बीम, कॉलम, वॉल्स एंड स्लैब्स को हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मॉडल करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको जब पावरफुल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड एलिमेंट्स के, जब आप एरिया स्पेसिफाई करते हो एरिया ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से, जब आप वॉल बनाते हो, स्लैब्स बनाते हो, ओपनिंग्स हैं, मासेस हैं, लोड्स हैं, तो आप एरिया ऑब्जेक्ट चूज करते हो, यानी कि हम रेस्पेक्टिव एरिया से मेंबर को असाइन कराते हैं। जब आप कॉलम, बीम, ब्रेसेस, लिंक्स, स्प्रिंग्स, मास, लोड्स, प्लास्टिक हिंज, नॉन लीनियर लिंक, तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, तब हम लाइन ऑब्जेक्ट से इन मेंबर्स को रिप्रेजेंट कराते हैं। उसके बाद जब हम सपोर्ट्स की बात करते हैं, स्प्रिंग्स की, मास की, लोड्स की, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मास है, लोड्स है, स्प्रिंग्स है, तो दोनों चीज़ों के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मास, लोड्स तीनों चीज़ों के अंदर है, तो तीनों चीज़ों से आप जो है उसको असाइन करवा सकते हैं। उसके बाद हम एक्सियल बेंडिंग, टॉर्शनल, शियर डिफॉर्मेशन, मल्टीपल नॉन प्रिज्मेटिक सेगमेंट्स, ओवरऑल एलिमेंट की लेंथ के ऊपर कि हम मटेरियल जो मेंबर हमने चूज किए उन मेंबर्स के ऊपर हम ले लोड्स को या मल्टीपल जो है वो जो प्रेशर्स हैं हमारे उनको असाइन करवाते हैं। उसके बाद हमें मेंबर जो है वो मैक्सिमम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट्स वगैरह या पार्शियल फिक्सिटी कनेक्शन के दरमियान, पॉइंट्स, यूनिफॉर्म्स एंड ट्रेपेज़ॉइडल लोडिंग के दरमियान एनी डायरेक्शन के अंदर कंसिडर करता है, फिर टेम्परेचर है, थर्मल ग्रेडिएंट लोडिंग है। इसी तरह से हम वॉल, स्लैब एलिमेंट्स को भी असाइन करवाते हैं, वॉल स्लैब्स वगैरह के लिए यूज दीज एलिमेंट्स टू मॉडल, शियर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग वॉल्स हैं, वॉल पैनल्स हैं, कंक्रीट स्लैब्स हैं, डायफ्राम्स हैं, मेटलिक डक्ट्स हैं,
तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारी मेंबर के अंदर हम किस तरह से असाइन करवाते हैं। यहाँ पे आपको मास स्प्रिंग सिस्टम या डैम्पिंग सिस्टम प्रोवाइडेड है इस पिक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लाइन जो है वो ब्रेसेस वगैरह प्रोवाइड है। फॉर मॉडलिंग ऑफ सपोर्ट कपल्ड और अनकपल्ड ग्राउंड स्प्रिंग्स वर प्रोवाइडेड, फोर्स लोड्स हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट लोड्स हैं, इंक्लाइन सपोर्ट्स हैं। तो आप ये तमाम चीजें जो है वो ज्वाइंट एलिमेंट के अंदर चूज कर सकते हैं कि ज्वाइंट्स को हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं तो प्लास्टिक हिंज नॉर्मली जो है वो स्टील के केस के अंदर जब हम प्लास्टिक एनालिसिस मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा मोस्टली जो है प्लास्टिक हिंज यूज हो रहा होता है। नॉन लीनियर लिंक एलिमेंट्स भी हम कनेक्ट करते हैं, नॉन लीनियर यहाँ पे जो है वो आपके एलिमेंट्स हैं, यूज विद द डायनामिक नॉन लीनियर मॉडल एनालिसिस, यूज एज अ लिंक स्प्रिंग और एज अ पैनल जोन, विस्कस डैम्पर विद नॉन लीनियर, यहाँ पे विस्कस डैम्पर प्रोवाइडेड है, ये विस्कस डैम्पर है, ये आपका मास स्प्रिंग डैम्पर है। इसी तरह से हम नॉन लीनियर एक रिलेशनशिप कंक्रीट के दरमियान प्रोवाइड करते हैं या फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप डेवलप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स एंड डिफॉर्मेशन जो है वो प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम जब एनालाइज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशन डेवलप होती है, के माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम एंड फाई, फाई एंड ओमेगा स्क्वायर बेसिकली आर द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड एज आइगन फैक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज जो हम यूज करते हैं कि मास मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, मास मैट्रिक्स हमारे पास क्या है और स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है, इसी दोनों की बेस के ऊपर जो है वो रिस्पांस स्पेक्ट्रम की इक्वेशन डेवलप की गई, स्प्रिंग मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट प्लस मास मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज अ पी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम मेन एनालिसिस के अंदर लीनियर स्टैटिक एनालिसिस यूज करते हैं, डायनामिक एनालिसिस यूज करते हैं, ये हमारे पास जो है वो एनालिसिस के अंदर जब हम फ्रेम को असाइन करते हैं कि हमारा जो फ्रेम है वो किस फॉर्म के अंदर डेवलप हो रहा है, लोडिंग के डेल्टा पैरामीटर्स क्या हैं ओवरऑल। उसके बाद हम डायनामिक रिस्पॉन्स एनालिसिस के लिए कैटेगरी चूज करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, पुश ओवर एनालिसिस है या डायनामिक एनालिसिस है या कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस लोडिंग एनालिसिस है। उसके बाद हम जो है वो स्पेशल एनालिसिस ऑप्शंस के अंदर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। स्पेशल एनालिसिस के अंदर हम ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ लोड्स एज एन डेक्स एज ऑन डेक्स स्लैब्स टू बीम्स एंड बॉल्स, ऑटोमेटिक मेशिंग ऑफ एलिमेंट्स, आप ऑटोमेटिक मेशिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं और स्पेसिफाइड लेंथ के ऊपर आप असाइन भी करवा सकते हैं। डायनामिक एनालिसिस के ऑप्शन मजीद जो है वो आइगन लोड्स हैं डिपेंडेंट ऑन द रिस्क फैक्टर, उसके बाद वेक्टर हैं या आइगन वैल्यूज हैं, SRS जो हमारे पास मेथड है, उसके बाद जो है वो ये हमारे पास तमाम पैरामीटर्स हैं, उसके बाद डायनामिक एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही वाइड सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइडेड है जो कि आपको इनमें से काम की चीज़ें जो है वो जस्ट एक पढ़नी है, नो हाउ करनी है, अदरवाइज जो चीज़ें आपकी फिलहाल काम की नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म लाइफ होल लाइफ के लिए यूजफुल चीज़ें उनको आप जस्ट एक फॉर द पर्पज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैटिक नॉन लीनियर एनालिसिस है जिसके अंदर हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन चूज करते हैं या सीक्वेंशियल लोडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद डायनामिक नॉन लीनियर एनालिसिस भी है। देन स्टैटिक पुश ओवर एनालिसिस हम किस तरह से यूज करते हैं, कंसीडर FEMA 273 ATC 40 प्रोविजंस, ऑटोमेटेड फोर्स डिफॉर्मेशन हैं, डिमांड स्पेक्ट्रम कंपेरिजन हैं, परफॉर्मेंस पॉइंट कैलकुलेशन हैं। उसके बाद हम किस तरह से ये प्रॉपर्टीज जो है वो पुश ओवर एनालिसिस के अंदर हम किस तरह से असाइन कराते हैं स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट्स के हिसाब से, ये तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, डैम्पिंग रेशोज क्या हैं, उसके बाद शो कांस्टेंट पीरियड लाइंस, एडिशनल नोड्स फॉर द प्रिंटेड जो है वो आउटपुट है। उसके बाद हमारे पास व्यू करते हैं हम रिजल्ट्स को, एनालाइज जो किया आपने तमाम जो डेटा हमने असाइन किया उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद वो हमें एक एनिमेटेड फॉर्म ऑफ द डिफॉर्म शेप्स प्रोवाइड करता है, डिफॉर्म्ड अनडिफॉर्म्ड ज्योमेट्री इन 3D पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमें डिफरेंट एलिमेंट्स की बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्सेज या शेयर फोर्सेज और बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम बना कर देता है कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इस एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी जनरेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन लाइंस के हिसाब से मूव कर रहा होता है, हर एलिमेंट के ऊपर आपके पास जो है वो लोडिंग्स और बेंडिंग मूवमेंट्स और शेयर फोर्सेज भी आ जाती हैं, लोडिंग डायग्राम्स आ जाती हैं, स्ट्रेस कंटूर्स व शेल्स, इंट्रैक्टिव सेक्शंस, फोर्स रिजल्ट्स यूजिंग द ग्रुप्स, ये हमारे पास जो है वो मेजर जो रेड लाइंस हैं ये आपके मोर सेंसिटिव या मोर जो क्रिटिकल रीजंस हैं जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट हो रही हैं। उसके बाद डायनामिक एनालिसिस के अंदर हम टाइम हिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद डिस्प्लेज ऑफ नोडल एंड एलिमेंट्री टाइम हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, एनालिसिस आउटपुट के अंदर भी हमें वही चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टोरीज हैं, बीम्स हैं, लोड्स हैं, LOCs हैं हमारे पास, उसके बाद P पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम शेयर्स वगैरह कितने जनरेट हो रहे हैं।
उसके बाद हम मेंबर को डिज़ाइन करते हैं कि डिज़ाइन फुली इंटीग्रेटेड एलिमेंट डिज़ाइन, यहाँ पे हम जो है वो डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम्स एंड कॉलम्स हैं, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट बीम्स एंड कॉलम्स, डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट बीम्स एंड कॉलम्स, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट शियर वॉल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके बाद हम फाइनली जो है वो मेंबर्स को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम किस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं, हमें किस तरह से आउटपुट मिल रहा होता है। लेट सपोज हमने अगर ये एक बीम चूज़ किया है यहाँ पे बाहर, तो ये हमारा सेक्शन कौन सा हमें सजेस्ट कर रहा है मेंबर, और उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि एक्सियल फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे हैं। फुल इंटीग्रेटेड स्टील फ्रेम डिज़ाइन के अंदर AISTE जो हमारे पास SC स्टैंडर्ड्स हैं, AISTE LRFD है, UBC है, कैनेडियन कोड्स हैं, यूरो कोड्स हैं, ये सारे कोड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप स्पेसिफाई करते होंगे कोड विद रिस्पेक्ट टू द हमारे पास स्टैंडर्ड की जो मेजर गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हम इसको असाइन करते हैं। उसके बाद हम मेंबर को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर द स्ट्रेंथ एंड लैटरल डेप्थ, सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ स्पेशल मूवमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम्स हैं, सीज़मिक डिज़ाइन ऑफ कंसेंट्रिक एंड सेंट्रिक ब्रेस फ्रेम्स हैं, चेक करते हैं हम नॉर्मली पैनल जोन्स के लिए फॉर स्टिफनर्स एंड कंटिन्यूटी ब्लेड्स के लिए। उसके बाद हमारे पास कॉन्क्रीट शेयर वॉल डिज़ाइन आ जाता है, टू डायमेंशनल वॉल पियर डिज़ाइन है फॉर द बाउंड्री एलिमेंट्स हैं, मेंबर हैं, टू डायमेंशनल स्पेंडल डिज़ाइन, थ्री डायमेंशनल पियर चेक फॉर द प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट, ग्राफिकल सेक्शन डिज़ाइनर फॉर कॉन्क्रीट रिवर लोकेशन, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ रिइंफोर्समेंट एंड स्ट्रेस रेशियोज। तो इस टेप जो है वो मोस्टली इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर फॉर द मॉडलिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स। कि जब आप एक बिल्डिंग को एनालाइज करते हो, मॉडल करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो ETAP सॉफ्टवेयर इज़ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर करंट टाइम अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो कि हम सक्सेसफुली यूज़ करते हैं हमारे मेंबर्स को या बिल्डिंग्स को एनालाइज और डिज़ाइन करने के लिए। तो ये हमारे पास था एक बेसिक डेटा जिसके ज़रिए से, जिसको यूज़ करके हम अपने बिल्डिंग को, हम अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से की पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम मैं आपको एक जो है फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो फाइल्स आपने मेरी जो गूगल ड्राइव है वहाँ से डाउनलोड करने हैं। किस तरह से डाउनलोड करने हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको तमाम तरीका जो है वो बताता जाता हूँ। अच्छे तरीके से उसको देखो, 64 बिट का जो है वो 2016 वर्जन ETAP हमारे पास रजिस्टर्ड वर्जन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मज़ीद कोई सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर पे नहीं चल रहा, तो आपस में बैठ के, आपस में डिस्कस करके कोई भी आप नेट से डाउनलोड उठा सकते हैं। वर्जन्स, करेक्ट वर्जन्स भी नेट पे अवेलेबल हैं। किसी के पास जो है वो अगर सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही, विंडोज़ के साथ मैच नहीं हो रहा, तो वो आपका अपना मसला है। मैं अपनी तरफ से जो है वो आपको एक डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर इन डिटेल्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, तो आपके पास जो है वो तमाम मसले उसके सॉल्व हो जाएंगे। अब ये तीन फाइलें आपके पास, जैसे मैंने अटैच कर दी जीमेल ड्राइव के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों फाइल जो है वो मेरी जीमेल के ऊपर मैंने अटैच करके आपको शेयर कर दी। फर्स्ट CSI करेक्ट फाइल है, आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। दूसरी हमारे पास जो है वो ETAP का सॉफ्टवेयर वर्जन है अपना, जो कि आप 583 MB का है। तीसरा जो है वो रन एज डेट है, जिससे हम क्रैक करेंगे अपने डेट को बढ़ाने के लिए। अब लेट सपोज आपने तीनों फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर दी अपने PC के अंदर, या आपके पास डाउनलोड हो गई फाइलें। वन बाय वन हम इनको चेक करेंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स के अंदर जाके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे ओवरऑल फाइल्स को। आप इसको मज़ीद वीडियो को जो अच्छे तरीके से देखते जाएं, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटीवायरस जो है आपके पास अगर कोई इंस्टॉल है, तो उसको आप परमानेंटली या थोड़ी देर के लिए, जब तक आपका इंस्टॉल सक्सेसफुली होता नहीं है सॉफ्टवेयर, तब तो इसको जो है वो डिसेबल कर दें। सॉरी, नेट आपका अगर कनेक्ट है तो कनेक्ट पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लें, फाइल तमाम एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप फाइल के अंदर आ गए, क्रैक को फिलहाल छोड़ दो। आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को रन करते हो। सॉफ्टवेयर को रन करके हमने जो है वो रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसको चलाना है। एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से जब आप इसको प्ले करते हैं या रन करते हैं, तो ये आपको मजीद ऑप्शंस दे रहा होता है। ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होने लग रहा है। इंस्टॉलेशन काफ़ी स्टेप्स के अंदर चलेगी, इसको ध्यान से करना है, ताकि जो है वो ऑप्शन आपके मजीद कोई, अगर एक क्लिक आपने गलत कर दी, तो आपको जो है वो सारा प्रोसेस फ्रॉम जीरो से अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा, रिमूव फाइल करके। उसके बाद इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ करना है। ये आपके पास इंस्टॉलेशन आ गई सॉफ्टवेयर की, अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये अभी आपके पास इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद एक्सेप्ट एग्रीमेंट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैंक छोड़ दें, यहाँ पे टिक मार्क जरूरी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें,
नेक्स्ट के बाद इंस्टॉल कर दें। 64 बिट के लिए ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, विंडोज 64 बिट के लिए। उसके बाद जो है मज़ीद आपको मैं आगे बताता हूँ चीज़ें। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशन चलती रहेगी स्लो स्लो, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा, खैर तकरीबन 10 से 12 15 मिनट लग जाएंगे, जिसके अंदर आपका विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल होने में इतना टाइम तो ले ही लेगा। अगर आपका पीसी जो है वो पहले से ही बहुत डाउन है, स्लो है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, तो हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को मज़ीद हैंग कर दे, हैंग कर दे, या जो है वो इवन चले ही ना। तो उस केस के अंदर आपस में जो है वो आप अपने घर के अंदर किसी बड़े भाई का या बहन का लैपटॉप वगैरह लेके उस पर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आगे जो अपकमिंग असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट नंबर जो लास्ट असाइनमेंट से एक होगी आपकी, असाइनमेंट नंबर 14 एंड 15 जो है वो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपकी डायरेक्ट असाइनमेंट नंबर 16 होगी, जो कि एक वीक के अंदर आपने कंप्लीट मॉडल जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, या वही बिल्डिंग जो हमने एनालाइज या डिस्कस की है ड्यूरिंग द क्लासेस, उसको आपने बनाना है ईटीएफ के ऊपर, और उसकी जो है वो कंप्लीट आपने एक रिपोर्ट मुझे सबमिट करानी है। तो ये हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर, जब आपका हाफ इंस्टॉलेशन पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा केयर करनी है, ताकि एक आपसे वो कमांड मांगेगा कि भाई आपने एक जो है वो ऑप्शन देगा, अभी ऑप्शन आ जाता है, ये आपके पास आ गया एक्टिवेट स्टैंड अलोन लाइसेंस, इसको आप नो कर दोगे, इसको आप नो पे क्लिक कर देना। नो पे क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर मजीद यहाँ पे एक टॉस फॉर्मेट में चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ये आपके पास जो है वो फाइल इसके अंदर भी रन करना स्टार्ट कर देगा, प्रोग्राम फाइल जो है वो यहाँ पे राइट करना शुरू कर देगा, जैसा ये भी नज़र आ रहा है आपको, ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है फाइल की, सॉफ्टवेयर की रजिस्ट्रेशन डन। उसके बाद ये मजीद इसको क्लोज नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा एंड में। फिलहाल आपने कुछ नहीं करना, जैसा आपका ये इंस्टॉलेशन चलती रहेगी, साथ में जो है ये डॉस फॉर्मेट के अंदर नेटिव इमेज जनरेटर जो है वो ये अपना काम करता रहेगा, ये जो डिफरेंट फाइल्स जनरेट करेगा आपके सी ड्राइव के अंदर। अभी तक इंस्टॉलेशन चल रही है, हमने 3 फाइलें डाउनलोड की थी, एक था सॉफ्टवेयर, दूसरा था करेंट वर्जन, तीसरा था हमारे पास रन एज डेट। हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर को एक्स्ट्रैक्ट किया है, बाकी चीज़ों को टच नहीं किया। अब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद दूसरे फाइल के अंदर जाएंगे जो हमारा क्रैक्ड का है, तो इसको देखते रहें ध्यान से, क्योंकि ये इंस्टॉल अगर नहीं होता आपके पास तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो नेट से डाउनलोड करेंगे वो अनक्रैक्ड वर्जन होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनको इंस्टॉल करके, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, तो पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक फॉर्म में लेके आना, हो सकता है कि आप में से कुछ जो बच्चे हैं वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कंप्यूटर के हवाले से या ब्राउजिंग के हवाले से या क्रैक करने के हवाले से ऑलरेडी उनको पता हो तो वो तो कर लेंगे, और अगर उनको आता है किसी को तो वो दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे कोलीग्स की भी हेल्प करें। ये अभी तक चल रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, इसको फाइल को हमने मिनिमाइज कर दिया, जो सी ड्राइव था वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, जो डॉस फॉर्मेट में नहीं आया वो था फाइल वो क्लोज हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर जल्दी अपनी इंस्टॉलेशन पूरी करके यहाँ पे फिनिश आ जाएगा, अभी हमने इसको फिनिश कर दिया। यहाँ से आप फिनिश को क्लिक कर दोगे, फिनिश को क्लिक करने के बाद आप दोबारा चले जाएंगे उसी फॉर्मेट के अंदर जहाँ पे हमने फाइल तीनों डाउनलोड करके रखे थे, उसी फोल्डर के अंदर, वो फोल्डर हमने दोबारा ओपन किया तो हम बैक करके चले जाएंगे सेकेंड फाइल के ऊपर, जो कि हमारी की क्रैक थी, CSI ETAP क्रैक फॉर 2020। इस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस फाइल को जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, यहाँ पे जो है वो आपके पास एक और फाइल जनरेट हुई, लेकिन इसके साथ जो है वो ये आपके पास जो है पासवर्ड भी आ गया। पासवर्ड वाले को ओपन करें, पासवर्ड अंदर 0 है, सिंपल आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ तक पासवर्ड को कॉपी करना है। जैसे आप इसको क्रैक को रन करेंगे, डबल क्लिक करके क्रैक को ओपन करना है, क्रैक को ओपन करने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। क्रैक को हमने रन किया, एक्सट्रैक्ट हेयर या रन कर लो आप, इसके अंदर पासवर्ड मांगा, हमने पासवर्ड जो वहाँ से उठाया था वो हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास CSI क्रैक का जो है वो नया एक फोल्डर जनरेट हो गया। अब इसको क्लिक करें आप, यहाँ से आपके पास जो CSI की ETAP की एक्जी फाइल जो जनरेट हुई पड़ी है ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे या आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, ये आपके पास तमाम चीज़ें आ गई, ये ऑटोमेटिकली आपका क्लोज हो जाएगा, या अगर नहीं होता क्लोज तो आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ से LSEVRC की जो फाइल जनरेट हुई ये आपने कॉपी कर ली और ETAP के अंदर आके वो लोकेशन फाइल को ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने वो फाइल जो है वो उसको कॉपी कर देनी है पेस्ट, और उसको आपने कंटिन्यू कर दिया तो ये फाइल आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाती है। फाइल पेस्ट हो जाने के बाद आप तमाम चीज़ें जो है वो उनको क्लोज कर देते हैं।
क्लोज करने के बाद आप ईटैब को रन करें, आपका ईटैब जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे जैसे ये हमें सॉफ्टवेयर अभी दिखाएगा कि अगर मैं हेल्प में चला जाता हूँ, सॉफ्टवेयर के हेल्प के अंदर आ जाते हैं अबाउट ईटैब, तो यहाँ पे हमें डेज दिखा रहा है कि कितने डेज के लिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। आप जब इंस्टॉल करोगे हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेट के जो आपकी डेट अगर एक्सपायर हो गई है तो उस केस के अंदर ये हो सकता है कि काम ना करे। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि आप ये रन एज जो डेट था उसको आप प्ले करके अपनी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर की जो डेट है जो 15 जुलाई 2020 चल रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको आप बैक करके लेके चले जाएंगे बैक के अंदर, यानी 2016 डेट कर दें या 17 की कोई डेट कर दें, वो मैं आपको मजीद कॉल के ऊपर भी समझा दूंगा। यानी एक साल आप पीछे कर दें, दोबारा आपका सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अब हम आते हैं ईटैब को सॉफ्टवेयर को क्लिक ओपन करते हैं। अब जो इंस्टॉल हुआ सॉफ्टवेयर जब मैंने उसको ओपन किया तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सॉफ्टवेयर ओपन होने में, लेट इट बिगिन फर्स्ट। तो ये अपनी तरफ से जो है वो जो इसको परफॉर्मेंस करनी है वो कर चुका होगा, वो करके अपने आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये बड़ा कर दिया, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये रन कर रहा है। अब मैं हेल्प के अंदर अगर जाता हूँ तो जब मैंने हेल्प से चेक किया तो मुझे ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ 9 बोर्ड डेज के लिए काम करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि 9 डेज जैसे ही पूरे होने वाले होंगे, 9th डे के ऊपर मैं जाके यहाँ से अगर मैं डेट 17 जुलाई 2020 के बजाय मैं 17 जुलाई 2019 कर दूंगा तो मुझे मेरा सॉफ्टवेयर मजीद एक साल के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो खैर वो हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो हम उसको देख लेंगे। अब हमने क्या किया कि हम फाइल के अंदर चले जाओ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका, फाइल के अंदर आके हमने न्यू मॉडल चूज किया। न्यू मॉडल चूज करने के बाद ये मुझे मांगता है कि भाई आपके मजीद स्पेसिफिकेशन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इधर आप डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर जाना चाह रहे हो या आप बिल्ट इन जो सेक्शंस हैं कि आपके अपने यूनिट्स वगैरह मैट्रिक सिस्टम है या मैट्रिक एमकेएस है, यूएस कस्टमरी है, या आपका स्टील सेक्शन कौन सा है, कंक्रीट की स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं। तो हमने क्या किया कि हम कहते हैं कि फिलहाल हम यूज़र डिफॉल्ट सेटिंग में ही जा रहे हैं। यूज़र डिफॉल्ट सेटिंग सिलेक्ट करके आपने ओके कर दिया। जैसे आप ओके करते हो ये आपका ग्रिड सिस्टम ओपन हो जाता है। अब ग्रिड सिस्टम के अंदर फिलहाल मैंने सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया है तो मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी एडिशनल चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा ना आप करो। हम सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है या उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया, सारी डिफॉल्ट सेटिंग रहने दी, मैंने जस्ट यहाँ पे वेफर सेलेक्ट को क्लिक कर दिया। वेफर सेलेक्ट को क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसको ओके कर दिया और यहाँ से दोबारा मैंने ओके कर दिया। जब मैंने दोबारा ओके किया मेरे पास दो विंडोज ओपन हो गई, यहाँ पे आपके पास प्लान आ गया बिल्डिंग का और यहाँ पे 3 डायमेंशनल एलिवेशन आ गया। ये आपका एक बिल्ट इन बना बनाया जो एक छोटा सा मॉडल अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे आप सॉफ्टवेयर की एप्लीकेबिलिटी या सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको आप चेक कर सकते हैं, इधर सॉफ्टवेयर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जाके मैंने इसको एज अ सैंपल के तौर पर सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, कि मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लिया हमने। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया फॉल 2K16 डॉस। अब ये मैंने फाइल फोल्डर बना लिया, फोल्डर को हमने ओपन कर दिया। अब मैं फाइल का नाम देता हूँ ईटैब सैंपल 1। अब मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही मेरा मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा, ये आपकी सेविंग एक्सपोर्ट आ गया, सेव हो गया मॉडल। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जाके इसको रन एनालिसिस कर दिया। रन एनालिसिस जो प्ले का बटन नजर आ रहा है, इसको प्ले के बटन को मैंने जब क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे कोने पे देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल रेडी प्लान एनालाइजिंग इनिशियटिंग 0%, 12%, 49%, 90%, 100%। और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक पूरी तमाम डिटेल जनरेट करती है। अब ये जैसे आपको नजर आ रही है यहाँ पे डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द बिल्डिंग। अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ एनिमेशन को तो ये सॉफ्टवेयर मेरा जो मजीद थोड़ा सा टाइम लेगा और ये बिल्डिंग जो है वो आपकी परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अब जैसे मैंने एनिमेशन को स्टार्ट किया, ये बिल्डिंग मेरी जो है वो एक मुझे बिहेवियर दिखा रही है कि मेरा एनालिसिस जो है वो सही काम कर रहा है। मैंने इसको स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद जैसे आपने एनालिसिस को रन किया, ये आपका जो लॉक है ये लॉक आपका क्लोज हो जाता है।
लॉकअप का क्लोज हो जाता है और ये बिल्डिंग एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, आप किसी भी किस्म की बड़ी कोई भी बिल्डिंग इसके ऊपर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक जनरल सॉफ्टवेयर के हवाले से एक बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी सीखा, इंस्टॉल आपने करना है। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या मेजर गाइडलाइंस होती हैं वो हमने डिस्कस की। सॉफ्टवेयर के अंदर हम एनालिसिस वगैरह किस तरह से करेंगे वो हमारे मजीद आज के जो लेक्चर नंबर 15 और 16 होंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन मैं आपको तमाम प्रोसीजर्स बताता जाऊंगा। आप इस लेक्चर के फौरन बाद आपकी असाइनमेंट जो है रिटन फॉर्म में नहीं लेकिन वर्बल फॉर्म में, वो असाइनमेंट आपकी यही है कि आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। तमाम बंदे अपने कंप्यूटर्स के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें ताकि लेक्चर नंबर 15 एंड 16 के अंदर हमने क्या करना है कि हम स्टेप बाय स्टेप एक मॉडल को एनालाइज करेंगे वन बाय वन। तमाम चीज़ें यहाँ से फाइल, एडिट, व्यू, डिफाइन, ड्रॉ, सिलेक्ट, असाइन, एनालाइज, डिस्प्ले, डिज़ाइन, डिटेलिंग, ऑप्शंस, टूल्स, हर चीज़ हमने यूज़ करनी है उस सॉफ्टवेयर के हवाले से। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या थ्री स्टोरी बिल्डिंग या फोर स्टोरी बिल्डिंग हम एनालाइज करेंगे, जो उसके अंदर मजीद कंडीशन होंगी वो वहाँ पे हमने डिस्कस और एनालाइज करनी है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।